तो मम्मी पापा अभी खाना बना रहा है, तब तक वेट करते हैं, ठीक है? बाय। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आता है इसको जरूर दबाइएगा, और ये एब्सोल्युटली फ्री है। अगर सब्सक्राइब किया है तो ये टिंग 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 वाला बेल बटन आता है ना, इसको जरूर दबाइएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिथिश पैशन। आज 17th है, 17th से रमजान महीना भी आज फर्स्ट डे है। जो मेरी फ्रेंड्स है रमजान के महीने में फास्ट रख रहे हैं, उन सबको मुबारक, सभी फ्रेंड्स को। और ये रमजान महीना बहुत अच्छी तरह से आप सब बिताओ, बहुत खुशियों से। लेकिन फास्ट के टाइम थोड़ा केयर भी करना। और हाँ, आप सबको थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगी, जो जो फ्रेंड्स रमज़ान महीना में फास्ट रखते हैं तो ये महीना में आप मेरी वीडियोस हो सके तो शाम के बाद देखिएगा, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप सब फास्ट रखते हो और उस टाइम पे कुकिंग तो रहता ही है, खाना तो रहता ही। ये तो डेली व्लॉग का मेरा एक पार्ट है, वो तो मैं कट भी नहीं कर सकती। तो वो मैं आप सबको थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगी, आप सब हो सके तो शाम के बाद, जब फास्ट तोड़ोगे उसके बाद ही मतलब मेरी वीडियोस देखना। हम लोग तो पूरी साल ही वेट करते हैं ये महीना में कुछ अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, क्योंकि हम लोग वेट करते ही है ईद, और ईद के पहले का एक महीना कुछ अच्छा वाला खाना मिलेगा। तो शांतनु तो अभी ढूंढ रहा कहाँ कहाँ जाना है, लेकिन अभी इतना गर्मी भी है ना, जाना भी पॉसिबल नहीं हो रहा है। और मेरी मम्मी पापा ने हमेशा ही मुझे एक परवरिश दिया है, हर रिलीजन का जो भी कल्चर है उनको रेस्पेक्ट करो। हमेशा ही मैं रेस्पेक्ट करती हूँ। मुझे तो ये महीना में सबसे ज़्यादा मैं लास्ट तक वेट करती, क्योंकि उसमें सिवाइयाँ आता था, तो वो सिवाइयाँ मुझे बहुत पसंद था, तो इस बार भी लाऊंगी। और आप सब भी अच्छी तरह से ये महीना मतलब गुजारिए, और हेल्थ का भी थोड़ा केयर कीजिएगा। और अभी मैं स्वीटी के रूम पे हूँ इसलिए क्योंकि अभी पूजा करना है, और मेरा लुक आज थोड़ा डिफरेंट लगेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा सिंदूर पहना है, क्योंकि आज थर्सडे है। मतलब बंगाली में गुरुवार मतलब बृहस्पतिवार, इस दिन को लक्ष्मी जी का पूजा होता है, तो हर थर्सडे को उतने अच्छी तरह से ड्रेसअप करके रहना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ किसी किसी थर्सडे थोड़ा अच्छे से रहो। तो हमारे बोलते हैं जो थर्सडे को लक्ष्मी मतलब घर के कोई भी गर्ल या जो भी लेडी रहे वो अच्छी तरह से रहे तो घर अच्छा रहता है, मतलब शांति रहता है घर पे। तो वही है, तो मैंने सोचा आज थोड़ा अच्छा वाला ड्रेस पहनूँ और थोड़ा सा सिंदूर लगाऊँ, तो इसलिए मैंने सिंदूर लगाया। और बिंदी तो मैंने लगाया था, लेकिन वो मुँह धोते टाइम बिंदी गायब हो जाता है, तो कितनी बार लगाऊँ। अभी बज रहा है शाम का 7:30, और यहाँ पे सनसेट थोड़ा लेट करके होता है इसलिए पूजा थोड़ा लेट करके ही करते हैं। आज तो कुछ DIY टाइप का करूँगी, मतलब मेरी जो बैल्कनी है उसका डेकोरेशन के लिए कुछ कर रही हूँ। पहले पूजा कर लूँ, उसके बाद मैं इवनिंग टू नाइट कैसे करके स्पेंड करूँगी आप सबके साथ शेयर करूँगी। हाँ, आप में से काफ़ी सारे फ्रेंड्स पहले भी पूछा था, उसके बाद मुझे याद नहीं था, अभी इसको देख के मुझे याद आया। पूछते थे ये जो अगरबत्ती स्टैंड है ये कैसा है। ये एक्चुअली इस टाइप का अगरबत्ती स्टैंड आपको दिख रहा है, इस टाइप का है। यहाँ पे एक होल किया रहता है, उसके अंदर जो अगरबत्ती है वो डाला जाता है, एक ही होता है। और इसका बड़ा साइज भी मिलता है, उसमें दो रहते हैं, यहाँ से एक वहाँ से एक, मतलब आप फ्लैप के अंदर ऐसा करके बंद हो जाता है और यहाँ से होल रहता है, तो वो होल से मतलब धुआं निकलता है। तो मेरा एक्चुअली डेली यूज़ होता है, और अगरबत्ती में थोड़ा ऑयल रहता है तो ये होल सारे बंद हो जाते हैं। एक्चुअली ये मेरे काफ़ी पुराना है, 7-8 साल तो होगा ही होगा, मैं इसको ऐसे खुला रखती हूँ। तो अगर मुझे लिंक मिला तो मैं देने की कोशिश करूँगी। मेरा पूजा हो गया और मैं बैठ गई, और ये दुपट्टा बाद में लिया, बहुत गर्मी लग रहा है क्योंकि हमेशा याद नहीं रहता सर पे दुपट्टा लेके पूजा करना। और अभी खाना भी बनाना है, खाने में आज सिंपल सा बनाऊंगी, छोले बनाऊंगी। छोले ऑलरेडी मैंने शेयर किया था, वो रेसिपी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हो।
और अभी मैं स्वीटी के रूम पे नीचे बैठी हूँ, मैं और स्वीटी। और अभी क्या करना है, काफी सारे सामान है जो बालकनी में मैं यूज करूंगी, वो सारे पेंट करना है। और कुछ स्टोन भी है मेरे पास, महावाले से लाई थी, आप सबको याद होगा। तो सारे स्टोन मैं अभी पेंट करूंगी, क्योंकि स्टोनर तो होना चाहिए ना, बहुत दिन नहीं हुआ। तो जो बालकनी के थीम के हिसाब से होगा उस हिसाब से मैं पेंट करूंगी। काफी सारे सामान है, उसमें से ये भी एक है, ये ऑलरेडी मैंने दिखाया था आप सबको। मम्मी के साथ शॉपिंग किया था, मार्केट 99 वाले के शॉप है, वहाँ से खरीदा था। अगर नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे दो घर है इस टाइप का, ओल्ड है और ये भी एक ओल्ड घर है। तो ये सारे मैं पेंट करूंगी। इसके पहले भी मैंने एक स्टोन आर्ट का वीडियो ऑलरेडी शेयर किया है, वो स्टोन आर्ट वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये देखो बड़ा वाला स्टोन, लेकिन काफी भारी है, वर्कआउट के लिए बहुत अच्छा है। तो पहले मैं जो स्टोन आर्ट करूंगी वो व्हाइट कलर जो उस दिन लाया था ना, रॉयल का व्हाइट कलर, एशियन पेंट का रॉयल है, नॉर्मल व्हाइट है। अगर ये नहीं है तो आप एक्रेलिक कलर का व्हाइट वाला है वो भी यूज कर सकते हो। और ये पेंट पानी के साथ आप मिक्स कर सकते हो, मैं थोड़ा सा पानी मिक्स करूंगी। और ये जो बड़ा वाला है ये तो मैंने अभी पेंट कर दिया, लेकिन ये अभी ड्राई हो गया, उसके बाद और एक कोट करूंगी। और इसी तरह से बाकी जो छोटा छोटा स्टोन है वो भी व्हाइट कलर से करूंगी, उसके बाद डिजाइन करूंगी। ये एक दिख रहा है आपको डंडा, सूखी लकड़ी का डंडा, और ये मैंने लाई थी कर्नला बर्ड सेंचुरी से। और ये भी मैं बालकनी में यूज करूंगी, कैसा करके वो तो बालकनी वीडियो पे पता चलेगा, लेकिन इसको पेंट करना है पहले। और ये सामने आपको क्या दिख रहा है, वुडन टाइप का, ये मेरी एक बेंच है उसका बैक रेस्ट है, ये मैं अभी पेंट करूंगी। और ये मैं दरवाजे वाला जो ऑयल पेंट होता है उससे नहीं किया है, क्योंकि वो मुझे एकदम भी पसंद नहीं है, ऑयल पेंट वो साइनी साइनी होता है। एशियन पेंट का जो रॉयल है वो ही करूंगी, या आप कोई भी वुडन कलर के ऊपर एक्रेलिक कलर भी कर सकते हो, मुझे भी तो बहुत ही पसंद आता है, एक थोड़ा मैट फिनिश टाइप का इफेक्ट आता है। और अभी रोलर से करूंगी, ये जो रोलर लाया ना उस दिन, बेबी रोलर। तो ये सारे डिटेल्स के लिए आपके मेरी प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, न्यू फ्रेंड्स है तो आपको पता नहीं चलेगा मैं कौन सा कलर लाई थी। और ये वुडन फ्रेम के ऊपर छोटा साइज का रोलर से करेंगे तो इजी होता है, क्योंकि बड़ा साइज का रोलर से उतना जल्दी नहीं होता। और मैं एक कोट करूंगी ड्राई होने के बाद, और एक कोट करूंगी। और अभी एक पत्थर के ऊपर, स्टोन के ऊपर मैंने बेस कोट लगाया है और वो सूख भी गया, और पेंसिल से मैं आउटलाइन कर रही हूँ। और उसके बाद ये एक्वा कलर, ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में इसका सेट दिखाया था, ये बहुत सुंदर है इसका कलर। और ये करूँगी, अगर लगे मुझे ड्राई होने के बाद और एक कोट देना, उसके बाद और एक कोट करूँगी। और ये ऑरेंज, ये एक्चुअली एक छोटा सा क्यूट सा स्नेल बन रहा है। और येल्लो, ग्रीन में मैं तीन टाइप का ग्रीन शेड यूज़ करूँगी, ये आसानी से मिल जाता है, एक्रेलिक कलर होता है, कोई भी एक्रेलिक कलर आप यूज कर सकते हो, कोई भी डिजाइन यूज कर सकते हो। और मैं और एक ग्रीन लगाऊंगी बीच में, अच्छा लगेगा। और ये उसका आईज, फेस और एंटेना। और अभी मैं किचन पे आ चुकी हूँ, कुछ सामान तो बन गया, कुछ आर्ट भी बन गया, लेकिन कुछ अभी भी नहीं बना है। तो पहले खाना खा लूंगी क्योंकि भूख लगी है, और 10:30 से ऊपर हो चुका है। और मैं देखो आटा लेके पूरी बनाऊंगी, आज कितनी गर्मी में भी इन दोनों को पूरी खाना है, क्योंकि मैं सोच रही थी बारिश आएगा तो पूरी बनाऊंगी, क्योंकि इतना गर्मी में अच्छा नहीं लगता है ना। तो शांतनु और स्वीटी बोले नहीं नहीं आज पूरी बनाओ, आज भगवान का पूजा है ना, तो भगवान की पूजा के नाम पे ये लोग कुछ भी खा सकते। मम्मी पापा अभी खाना बना रहा है, तब तक वेट करते हैं, ठीक है, बाय।
बड़ा वाला पत्थर है, इसके ऊपर मैं डिजाइन बनाऊंगी, इसमें एक डॉल्फिन बनाऊंगी। पहले पेंसिल से आउटलाइन करूंगी, उसके बाद मैं कलर करूंगी, सी क्रिएचर्स बनाऊंगी इसमें। कलर करूंगी इसके ऊपर, उसके लिए एक्रेलिक कलर यूज कर रही हूँ, मैं ब्लू कलर यूज कर रही हूँ, और ये ब्लू के साथ थोड़ा सा व्हाइट मिक्स करूंगी क्योंकि लाइट कलर करना है। अगर लाइट ब्लू है तो बहुत ही अच्छा है। मैं कोई प्रोपोर्शन नहीं रहता है, आपको अंदाजे से करना है। और अभी मैं नीचे सी बेड का लुक दे रही हूँ, उसके लिए सी जो एनिमल्स थोड़ा बहुत, और सी ग्रास इस टाइप का चीज़ें बनाऊंगी, स्टार फिश बनाऊंगी, फिश छोटा छोटा, ये छोटा सा क्यूट सा स्टार फिश, इस टाइप का चीज़ें बनाने से कोई भी चीज़ें कोई भी कलर का यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। कलरफुल जितना होगा उतना अच्छा लगेगा। और एक सी क्रिएचर्स जेली फिश या ऑक्टोपस दोनों के जैसे दिखने वाला बना रही हूँ, लेकिन ये जेली फिश है। और ये भी कलर मैं दो तीन टाइप का कलर यूज़ करूँगी, दो टाइप का ग्रीन और एक एक्वा बीच में दिया, और ये टेंटिकल्स भी पिकॉक ब्लू वो यूज़ कर रही हूँ, और उसके साथ लाइट ब्लू भी यूज़ करूँगी। आपके मर्जी से आप कलर कोई भी कलर करो, ऐसा जेलीफिश तो ब्लू भी होता है, पिंक भी बना सकते हैं, ग्रीन भी बना सकते हैं, जितना कलरफुल करेंगे उतना अच्छा लगता है। और ये उसका लिप्स लिपस्टिक लगाया, और ये मेरा बड़ा वाला जो स्टोन है वो बन चुका है, और ये वेल है छोटा सा क्यूट सा, और फिश छोटा, और डिवीड सारे छोटा छोटा बड़ा बड़ा लंबा लंबा, और ये स्टार फिश, ये उसका वाटर फ्लो ऑक्सीजन लेने का टाइम, फुश। सारे मेरी सी क्रिएचर्स बन चुका है, और ये एक छोटा सा क्यूट सा स्नेल है, और ये जेली फिश या ऑक्टोपस भी बोल सकते हैं लेकिन ये जेली फिश है, और ये फिश है, और ये है फ्रॉगी, मोटू सा फ्रॉगी, और ये एक छोटा सा टर्टल, और ये एक क्रैब है रेड कलर की, और ये छोटा सा एक मोटू सा फ्रॉगी आपको दिख रहा है, ये स्वीटी ने बनाया, लेकिन बनाने के टाइम उसने दिखाया नहीं, बोला नहीं पता नहीं ठीक होगा या नहीं, अच्छा ही बना ना। और ये छोटा सा एक फिश एक्वेरियम के अंदर ये स्वीटी ने बनाया, और बाकी सब मेरा कलर हो गया, और ये देखो ये भी हो गया लेकिन ये वाइट अभी तक है, लेकिन एक बार टांग के देखूंगी, अगर पसंद नहीं आया तो इसको मैं एक्वा कलर करूंगी। तो सिटिंग एरिया का बैक रेस्ट है, ये भी कलर हो चुका है, दो कोट दिया तो लगेगा, तो और एक कोट डालूंगी बाद में। और अभी मैं बैठ गई क्योंकि इतना काम करके थक गई, जो स्टोन आर्ट किया वो तो कहाँ पे कैसे करके लगाऊंगी वो तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि सी क्रिएचर्स क्यों बनाया तो वो तो जब बैल्कनी वीडियो शेयर करूंगी तभी आपको पता चलेगा। डिफरेंट टाइप का स्टूल है वो भी पेंट करना है, वो भी बहुत सुंदर पेंट करना है मुझे, मेरे माइंड पे एक इमेजिनेशन है उसी हिसाब से करना है, देखती हूँ कितना होता है। तो वो आज तो पॉसिबल नहीं हो पाए क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है, और स्वीटी भी अभी बोली मैं सोऊंगी, और मुझे भी थकान हो रहा है क्योंकि ये बैठ के करना ना DIY बहुत टाइम लगता है, क्योंकि आपने देखा जो स्टोन आर्ट ना ये दिखने में लगता है ये तो फास्ट फॉरवर्ड करके इतना छोटा सा है, लेकिन स्टोन आर्ट में 3 घंटा तो आराम से लग जाएगा, क्योंकि एक बार कोट करूंगी ड्राई होगा, उसके बाद सेकंड कोट और फिनिशिंग भी करना है। तो इस हिसाब से मैंने शेयर किया, जो भी कलर मैंने यूज़ किया वो सारे एक्रेलिक कलर है, और जो बेस कोट यूज़ किया वो घर का पेंट जो रॉयल का पेंट है वाइट कलर, वो उससे भी कर सकते हैं या एक्रेलिक कलर से भी कर सकते हैं, का पसंदीदा कोई भी कलर आप चूज कर सकते हैं। तो जब भी मुझे नया कलर कभी भी मिलेगा तो मैं भी वो शेयर कर दूंगी आपको, ताकि ढूंढने में आसानी हो।
और कल का तो और एक बड़ा सा DIY करना है, वो तो कल के वीडियो में कराऊंगी। तो आज का वीडियो मैंने इसी तरह से शेयर किया, थोड़ा बहुत छोटा सा एक DIY किया। ऑलरेडी तो मैंने स्टोन आर्ट का DIY डिटेल्स में शेयर किया था, वो वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हो, क्योंकि वो DIY शायद मुझे भी बहुत पसंद है। और ये सारे स्टोन मैंने काशी बीच से लेके आई थी, और कुछ जो बड़ा वाला है वो महाबलेश्वर से लेके आई थी। और काशी बीच अगर किसी को जाना है या घूमना है तो उसका भी मैंने वीडियो ऑलरेडी शेयर किया है, तो जो नए व्यूअर्स है वो जा सकते हैं, जो मुंबई आएंगे या मुंबई पे रहते हैं तो उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और मैं हमेशा सारे वीडियो का लिंक इसीलिए डालती हूँ क्योंकि काफ़ी सारे उसके बाद क्वेश्चन आते हैं, तो मेरे लिए हर किसी को एक एक करके मेंशन करना भी इम्पॉसिबल नहीं होता, और मुझे भी उस टाइम पे याद नहीं रहता कौन सा वीडियो पे मैंने क्या शेयर किया था। इसका वीडियो मैं इसी तरह से आप सबके साथ शेयर किया, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक बटन नीचे होता है, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी फेस का यहाँ पे एक फोटो आएगा, उसको क्लिक कीजिएगा और हो जाएगा। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।